हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये क्रोशिए का कार्डिगन बना रही हूँ, तो सीधा नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये बैक साइड हमने बना ली है, फ्रंट भी एक साइड बना ली है। तो इस पार्ट में मैं आपको दूसरी साइड की कटिंग बताऊंगी। वी शेप का गला बना रहे हैं इसमें हम, तो इसमें कैसे कटिंग करनी है वही मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमने गले की कटाई बनानी है। तो ये हमारे तीन फंदे हैं, तीन चेन कर लेंगे। तो ये तीन फंदे हैं, तो यहां पर हम दो फंदे बना लेंगे, एक ये पहला वाला स्टिच हम छोड़ देंगे, तो इस तरह से एक और दो, दो फंदे बना लेंगे। देखिए, एक और दो, दो स्टिच बना लिए हमने। तो यहाँ आ गए, एक फंदा हमारा यहाँ कम हो गया है, बाकी हमारी पूरी रो उसी तरह बनेगी जैसे बनाते हैं डिजाइन। ये फ्रेंड्स दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ से हमने आर्म होल की कटाई करनी है। तो यहाँ हमने चार फंदे घटाने हैं, तो एक दो तीन ये और चौथा ये घटा देंगे। तो यहाँ पे इसको टक कर लेंगे, ये हमारे चार फंदे कम हो गए। तो नेक्स्ट रो पे आ गए, यहाँ फ्रेंड्स हमने तीन फंदे कम करने हैं, तो ये वाले तीन हम ऐसे कर लेंगे, ये तीनों फंदे हमारे कम हो गए। बाकी रो हमारी सिंपल बनेगी जैसे बना रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स हम गले की तरफ आ गए हैं, तो ये देखिए, ये जो दो स्टिच हमने बनाए थे, तो इसमें से एक स्टिच ऐसे बना लेंगे, तो घुमा के तीन चेन कर लेंगे। तो यहाँ एक एक स्टिच ऐसे लगा लेंगे,
इस तरह से इधर से एक एक स्टिच हमने कम करते जाना है, बाकी रो वैसे ही बना लेनी है। अब दूसरी तरफ कटिंग होगी आर्म होल की, इस तरफ से हमारी गले की कटिंग हो रही है, दूसरी तरफ से आर्म होल की। ये फ्रेंड्स इधर से आर्म होल की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। ये थोड़ा सा इधर से आता है तो सिलाई में ऐसे कर लेते हैं, ये एक हाथ का आता ही है। तो ये देखिए इस तरह से ये आर्म होल की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अभी हमने इधर से सीता बनाना है और गले की तरफ से एक एक फंदा हमने कम करते जाना है और पूरी लंबाई इसकी कंप्लीट कर लेनी है। ये फ्रेंड्स गले की तरफ आ गए हैं हम, देखिए यहां से हमने एक ये यहां तक बना लिया है। तो एक स्टिच हमने यहां ऐसे लगा लेना है, ये देखिए। अब इसको ऐसे घुमा लेंगे तो अब एक ही स्टिच बचा है ना हमारे पास, तो दो तीन चेन करेंगे तो ऐसे लगा लेंगे। इसी तरह से हमने सारे फंदे घटाते जाना है। हमने लंबाई पूरी कर लेनी है मोटे की। कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। एक तरफ से अब कटिंग करनी है हमने गले की, और मोड़े की तरफ से कटिंग नहीं करनी, वहां से पूरी हो गई है और सीता बनाते रहना है। ये फ्रेंड्स दोनों साइडें मैंने बना ली हैं, ये देखिए। ये गला इधर से हमने गला बना लिया है और आर्म होल बना लिया है। ये मेरी दोनों साइडें तैयार हैं। और अब हम फ्रेंड्स पॉकेट शेयर कर लेते हैं आपके साथ। ये देखिए इस तरह से मैंने पॉकेट बनाई है, क्रॉस पॉकेट बनाई है इस जैकेट में मैंने, यहाँ से देखिए ऐसे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी की तरफ से हमने पूरा ही लिया है, ये देखिए यहां तक ये पूरा है। तो यहां से एक दो तीन चार, ये चार हमने छोड़ दिए हैं इस तरफ से। ये देखिए एक दो तीन चार, ये चार छोड़ के तो यहां से हमने यहां तक हमने पट्टी बना लेनी है। तो इधर से हाथ चल रहा है तो यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए पट्टी की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम। जैसे फ्रेंड्स हमने डिजाइन बनाया है उसी तरह से हमने बनाना है। ये देखिए इसको यहां टक कर लेना है। दो चेन करेंगे, दो हम डबल तीन डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। यहां टक कर लेंगे इसको।
ये पॉकेट फ्रेंड्स हमने बॉर्डर के ऊपर से ही स्टार्ट कर लिया है। जैसे ही हमारा बॉर्डर खत्म होता है वहीं से हमने स्टार्ट कर देना है इसको। ये फ्रेंड्स नौ हमारे डिजाइन इसमें आ रहे हैं पॉकेट में। 1 2 3 4 5 बना लिया हमने। ये देखिए फ्रेंड्स ये पॉकेट हमारी स्टार्ट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 हमने डिजाइन स्टार्ट कर लिए हैं यहाँ से। तो यहीं से हमारी पॉकेट ये देखिए इस तरह से स्टार्ट कर ली है। अभी तक घुमा लेंगे, 3 चेन कर लेंगे। जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए यहां से 1 2 3 4 5 ये 5 यहां से देखिए 1 2 3 4 5 यहां तक हमने सिंपल बना लेना है। ये देखिए जितना हमने ऐसे यहां से पॉकेट सिलना है तो ये हमारे 1 2 3 4 5 ये इस तरह से 5 हमारे डिजाइन आए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो आ गई है हमारी। तो इतना बना के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये फ्रेंड्स यहां से यहां तक मैंने 4 इंच बना लिया है। अब देखिए अब हमने ये शेप देनी है, ये इस तरह से शेप देनी है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है।
इस तरफ से हमने शेप देना है बाजू का, उसका पॉकेट का, तो इधर से हमने सीता ही बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो 3 स्टिच हैं इसको हमने यहीं छोड़ दिया है, तो इसको वापस कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने 1 2 3 चेन करनी है, तो यहाँ पर आ जाना है ऐसे, और बाकी पूरी रो हमने जैसे बना रहे हैं वैसे ही बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोबारा इसी साइड में आ गए हम, तो फिर से 1 2 3 चेन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। हर बार हमने इसी तरह से एक एक डिजाइन मिस करते चले जाना है। ये फ्रेंड्स 8 इंच मैंने ये पॉकेट बना ली है। यहाँ से देखिए 4 इंच हमारा ये है और 4 इंच का पोर्शन ये। यहाँ से अगर इसकी शेप नापते हैं हम तो ये देखिए ऐसे 6 इंच आ जाती है। तो ये पॉकेट बना ली है हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ बाजू शेयर करती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स।